खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रधानों ने जमकर उड़ाई चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां और अब विजय जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग व प्रशासन दोनों ने विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बाद भी जीते हुए प्रत्याशियों ने बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डीजे के साथ गाँव के सड़कों पर विजय जुलूस निकाला और जमकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए। यह वायरल वीडियो बस्ती जनपद के दो अलग अलग थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक रैली व डीजे के साथ विजय जुलूस निकाले गए। पहला वायरल वीडियो विकास खंड सदर के लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुकरौली का है, जहां विजय हासिल किए हुए ग्राम प्रधान रामकोट चौधरी ने डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला और डीजे के धुन पर महिलाएं, युवा, बच्चे व बुजुर्ग जमकर बिना मास्क लगाए झूमते हुए नजर आ रही है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक बस्ती पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की है। वहीं दूसरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह दुबौलिया विकास खंड के पूरे ओरी राय ग्राम पंचायत का है। विजय प्रधान मनीष सोनकर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। वायरल वीडियो में दर्जनों की संख्या में बाइक सवार समर्थक नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था, तो जीते हुए प्रत्याशी आखिर कैसे विजय जुलूस निकाले? क्या प्रशासन ने इन्हें रोका नहीं? अब सोशल मीडिया पर इन प्रधानों का वीडियो वायरल होने के बाद देखना है कि प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।